नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट है, बहुत ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एक और फार्मा कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, मतलब आपको फ्री में शेयर मिलने जा रहा है अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट हैं तो। ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और अभी आप जानते हैं कि कई सारी फार्मा कंपनी है जो कि 200% तक का रिटर्न दे चुका है, जो गिरावट आया था मार्च में वहाँ से। तो ऐसे ही फार्मा कंपनी में से एक और है जो आपको स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है, मतलब आपको फ्री में शेयर्स देने जा रहा है। तो दोस्तों, वो फार्मा कंपनी है लुडुज लैब। यहाँ देखते हैं लुडुज लैब अभी जो करेंट प्राइस है 1189 रुपीज, 1189 रुपये, और आज भी ये देख सकते हैं 2.37% अप है। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, काफ़ी तेजी देखने मिला है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, छोटी सी मिड कैप कंपनी है। तो ये हमारा स्मॉल कैप से एक कहिए को मिड कैप कंपनी बन चुकी है, स्मॉल कैप से मिड कैप। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 0.21 है, और डिविडेंड परसेंट 2.25% है, जबकि फेस वैल्यू 10 का है, अर्निंग पर शेयर 38 है। चलिए, ये सब बात तो हम बाद में देखेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि 10 से फेस वैल्यू हो रहा है 2, मतलब आपका शेयर जो है 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो फेस वैल्यू है वो 5 times कम हो रहा है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएगा, 5 times, मतलब एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर फ्री मिलेंगे, मतलब एक शेयर है तो अब आपके पास हो जाएगा 5 शेयर कुल। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको हो जाएगा 500 शेयर, अगर 1000 शेयर आपके पास है तो हो जाएगा 5000 शेयर। बहुत सारे लोग पूछते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, शेयर प्राइस तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अब देखिए, जो लोग ये 1200 रुपये में इस शेयर को बाय करना नहीं चाहते, जिनके पास 1000 रुपीज़ ही है तो वो तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपीज़ जब इसका शेयर प्राइस हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो वहाँ पर वो इजिली 2-3 शेयर इसका बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई, मतलब सप्लाई और डिमांड में जो है डिमांड बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस कम होने से सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन डिमांड अगर सप्लाई से अधिक बढ़ता है तो फिर से शेयर प्राइस में तेज़ी देखने मिलेगा, और आपका पास तो जो शेयर है वो तो 5 हो चुका है। अब जो वो बढ़ेगा 1 रुपया से तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। अगर 5 रुपया बढ़ता है तो आपका 25 रुपया बढ़ेगा। तो पहले से जो इन्वेस्टेड होते हैं उन्हें यही फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये में इन्वेस्ट किए थे, 1100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तब आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले से आपको प्राइस गेन यहाँ पर मिला हुआ है। अगर 1100 पे इन्वेस्ट किए हैं तो 89 रुपीज़ मिला हुआ है आपको, 1000 पर किए थे तो 189 रुपये आपको प्राइस गेन मिला हुआ है, तब बेनिफिट करेगा, ना कि आप अभी बाय करें और इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाए, शेयर प्राइस कम हो जाए, तब स्टॉक स्प्लिट हो, आपको घाटा ही हो जाएगा उल्टा। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे अभी जो आयसर मोटर है उसका भी शेयर प्राइस जो है कम हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद देखिएगा कि शेयर प्राइस फिर से तेजी पकड़ लिया, क्योंकि 20,000 का शेयर हो गया 2000 का, अब वो धीरे 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 शेयर प्राइस में मोमेंटम देखने मिल रहा है आयसर मोटर का। उसी तरह आपको कई सारे स्टॉक है धीरे धीरे जो स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट्स आपको लंबे टाइम में मिलेगा। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इसका शेयर जो है प्लेस्ड है, देख सकते हैं प्रमोटर्स का शेयर 31.56% प्लेस्ड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले। टेक्निकल चार्ट पर देखिएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस में काफ़ी मोमेंटम है, लेकिन फंडामेंटल्स में देखिएगा तो कंपनी का शेयर प्लेस्ड है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन दिया है कंपनी ने। जून क्वार्टर का रिजल्ट तो अपडेट यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन मार्च क्वार्टर देखिएगा प्रॉफिट काफी जंप किया है, 255 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर से तो कई गुना हो चुका है, 3 times हो चुका है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसके तुलना में डबल हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी कंपनी का काफी बेहतरीन है, यहां पर आ चुके हैं हम, देख लीजिए रिजर्व और सरप्लस 17,000 करोड़ है, जो कि पीछे साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ है। वहीं हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें, मतलब जो डेट होता है, डेट कंपनी का थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 165 करोड़ का डेट है कंपनी के पास अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। वहीं टोटल जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटीज है, टोटल 286 करोड़ है, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है। वहीं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ तो कंपनी के पास 1636 करोड़ है, तो ज़्यादातर आपको लॉन्ग टर्म
जो लाइबिलिटीज है उससे मतलब रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उसी को हम पहले पुराने जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट का जो ओल्ड वर्सन था उसमें देखते थे, डेट दिखाता था, यही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उसी को डेट में दिखाया जाता था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना है, 286 करोड़ का डेट भी कंपनी के पास। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था लुरुज लैब के बारे में। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर चलेंगे। लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंपनी कैसा परफॉर्मेंस है, कंपनी का चार्ट कैसा दिखता है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा, ये है मैक्सिमम ईयर का प्रोफाइल इस कंपनी का। तो यहाँ पर कंपनी जो है काफी अंडर परफॉर्म था, इस अंडर परफॉर्म होने के कारण था फार्मा सेक्टर काफी दिनों से अंडर परफॉर्म था। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रमोटर्स है उसका शेयर काफी ज़्यादा प्लेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है प्रमोटर्स का शेयर प्लेस्ड है, इस कारण से भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब था। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स में थोड़ी सी गड़बड़ी है, अगर शेयर प्लेस्ड प्रमोटर्स अपना छुड़ा लेता है तो निश्चित है कि आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा। नहीं तो देखते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, ऐसे सारे लगभग सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म थे कई सालों से। अब यहाँ से जो तेज़ी आया देखते हैं, 3 अप्रैल से मतलब जो गिरावट आया था मार्च में वहाँ से, तो 248% का तेज़ी देखने मिला है। हमने तो 200% ही बोला था, ये तो 250% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप स्प्लिट होने का वेट करें तो वहाँ पर कुछ शेयर आप बेच करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन होता है जब कोई बोनस शेयर देता है कंपनी या स्टॉक स्प्लिट करता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास काफ़ी हो जाते हैं, जिससे आप कुछ भाग उसका जो है प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। तो जो भी नीचे के प्राइस में यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट किए थे वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, कंपनी का जून का रिजल्ट कैसा आता है उसके आधार पे आप परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन होता है, जून क्वार्टर का काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट होता है, तो निश्चित है कि प्रमोटर्स अपना शेयर जो प्लेज है उसको छुड़ा सकते हैं, तो वैसे में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आगे भी इस कंपनी में मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।